दुनिया के ऐसे पांच देश जहां बसने के लिए मिलते हैं पैसे, तीसरे नंबर की जगह तो स्वर्ग से भी ज्यादा है सुंदर। जब भी हम किसी सुंदर जगह पर घूमने जाते हैं तो सोचते हैं कि वहीं रह जाएं। हालांकि ऐसी जगहों पर बसने के खर्चे भी बड़े होते हैं। सोचिए, ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि बेहतरीन लोकेशन में आपको रहना भी है लेकिन आपको पैसे देने नहीं है, उल्टा सरकार आपको पैसे देगी, तो कितना अच्छा होगा ना ये। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे जहां पे रहने के लिए सरकार आपको पैसे देती है, ना कि आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा आशियाना बनाने में लोगों की पूरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। वह घर ले भी ले तो लोन की किस्तें 20-30 साल तक तो आराम से चलती ही है। हालांकि विदेशों में ऐसी कई जगह है जहाँ जाने के लिए पैसे खर्च करने की बजाय उल्टे दिए जाते हैं, और ये जगह भी यूरोपियन देशों में है जो अपनी खूबसूरती के लिए बेहद ही मशहूर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अलग अलग देशों में मौजूद कुछ जगहों के बारे में बताएंगे। आपने इटली के बारे में तो खूब सुना ही होगा, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि यहाँ मौजूद प्रिसाइज नाम की जगह पर बसने के लिए लोगों को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बूढ़े हैं और आबादी बढ़ नहीं रही है। दूसरी जगह है ग्रीक आइलैंड एंटीथिरा। अगर यहाँ कोई बसने का फैसला करता है तो सरकार की ओर से उसे अगले 3 साल तक 50,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। फिलहाल इस द्वीप पर सिर्फ और सिर्फ 50 लोग की आबादी है। अब बात करते हैं दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर देश स्विट्जरलैंड की। यहाँ के छोटे से गाँव एल्बेनिन में बसने के लिए भी सरकार की ओर से पैसे मिलते हैं। 45 साल से कम उम्र के जो लोग यहाँ बसते हैं तो उन्हें 20 लाख रुपए और कपल्स को 40 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर इसके अलावा बच्चे भी हैं तो 8 लाख रुपए प्रति बच्चा के हिसाब से दिए जाते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको 10 साल तक ये जगह छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते। 10 सालों तक आपको इसी जगह पे रहना है। दोस्तों, अमेरिका में मौजूद अलास्का में भी लोगों को रहने के लिए पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले बहुत ही कम लोग हैं। बर्फ और ठंड की वजह से यहाँ कम लोग रहते हैं, लेकिन जो यहाँ रह जाएं, उसे सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए हर साल दिए जाते हैं। शर्त यह है कि कम से कम 1 साल तो यहाँ रहना ही है। दोस्तों, अगली जगह है स्पेन में पोंगा नाम के एक गाँव में लोगों की जनसंख्या बहुत ही कम है। ऐसे में अर्थव्यवस्था बढ़ाने और युवा नागरिकों को आकर्षित करने के लिए लोकल अथॉरिटीज की ओर से हर कपल को यहाँ बसने पर 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर यहाँ रहते हुए बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चों को भी 2 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपको उल्टे पैसे मिलते हैं, ना कि आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो सोचिए, ऐसे देश में कितना मजा आएगा, और ऐसी जगह में रहने का और भी मजा है। लेकिन दोस्तों, जो कहते हैं ना, अगर जहाँ पे कुछ फायदा हो रहा हो तो सोचिए वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात होगी, इसलिए लोग नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी का इशू होगा, वहाँ पे एजुकेशन, हॉस्पिटल, नौकरी तो बहुत चीजें हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे लोग बसने से डरते हैं। चाहे सरकार कितना भी पैसा दे दे तभी लोग वहाँ पे बस नहीं रहे। वरना सोचिए, अगर ऐसे जगह यहाँ पे कहीं हो जाए तो कितनी भीड़ हो जाए, वहाँ तो जगह नहीं मिलेगी लोगों को बसने के लिए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? आपने किसी ऐसी जगह के बारे में कभी सुना है या फिर कभी गए हैं ऐसी जगह पे? हमें कमेंट के जरिए अपना आंसर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।